अगर आप सभी लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि हम आज़ादी से पहले, आप देखिए प्राचीन काल से, फिर चाहे आपके महावीर स्वामी हो, जैन धर्म हो, फिर चाहे आपका सिकंदर हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर आपको आप देखेंगे अशोक हो, तब से लगातार आज तक जो महान शासक हुए हैं और 1947 के बाद से अभी तक जो आपके नेता हुए हैं, सभी की एक तरह से जन्म कुंडली कह लीजिए या इनकी जीवन के बारे में बात कर लीजिए बताया जाता है। तो हम लोग राष्ट्रपति भी देख चुके हैं आपके देश के, और भी जो चर्चित व्यक्ति रहते हैं प्रधानमंत्रियों को देख चुके हैं। और याद रखिए आप लोगों की जो डिमांड रहती है, तो किसी ने कहा कि लालू यादव के बारे में भी बताइए, क्योंकि बिहार की राजनीति में नहीं देश भर में नाम ये काफी चर्चित रहता है। और याद रखिए यहाँ केवल उनकी एक तरह से जीवन के बारे में बताना है, इसलिए किसी की भावनाओं, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह आप लोग कमेंट भी किया करिएगा, और किसी के आप समझ सकते हैं कि किसी की लालू में भी आस्था होगी, किसी की मोदी में है, किसी की शिवराज में है, तो इस तरह की चलती रहती है। तो एक दूसरे के नेताओं का सम्मान किया करिएगा, और हम लोगों को बात करनी है इनकी जन्म कुंडली के बारे में, यानी कि जीवन के बारे में। तो लालू यादव के बारे में जानने से पहले हम लोग चलते हैं बिहार के बारे में, थोड़ा बिहार को देख लीजिए आप लोग, बिहार के बारे में जान लीजिए। यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा एशिया है, इसमें हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। नीचे देखेंगे आप लोग श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से, ठीक है। यही आप देखेंगे बिहार को, तो ये आपको दिखाई देगा बिहार, ऊपर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, किससे, उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, और पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है, किससे, पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है, और आप देखेंगे झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है, किससे, झारखंड से। और इसके बारे में याद रखिए आप लोग कि इसका निर्माण एक तरह से राज्य का दर्जा मिला था इसे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, और इसकी राजधानी पटना है। और देखेंगे आप लोग यहाँ, अगर ये भी कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, विधान परिषद 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं, तो राज्यसभा में यहाँ 16 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 40 सीटें हैं। आप देखते होंगे कि काफी जोर दिया जाता है लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप सोचिए इन क्षेत्रों को अगर जिसने भी जीत लिया वो एक तरह से प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाता है, ठीक है। और घनत्व यहाँ, यानी कि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है इसका। चलिए अब हम बात पर चलते हैं और लालू यादव के बारे में जानते हैं। ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी इनके। अगर जन्म की बात करें हम लोग तो 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया में हुआ था। कब, 11 जून 1948 को, आप कहिए कि आजादी के एक साल बाद, यानी कि 1947 में आपको आजादी मिली, 1948 में इनका जन्म होता है। और लालू प्रसाद यादव, अगर इनके पिता की नाम बात करें तो श्री कुंदन राय, इनके पिता का नाम कुंदन राय। लालू प्रसाद यादव की माता का नाम मरछिया देवी। लालू प्रसाद यादव की पत्नी की बात करें तो राउड़ी देवी। आप लोग कहते हैं ना कि एक चूल्हे से निकाल कर इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था राउड़ी देवी को, एक ऐसा भी व्यक्ति था, तो यही है वो, ठीक है, राउड़ी देवी। अगर इनके परिवार के बैकग्राउंड की बात करें, इनके कितने बच्चे हैं, काफी अभी आप लोग चुनाव देख रहे होंगे तो इसमें भी आप काफी एक नाम सुन रहे होंगे। और देखिए अगला सीएम होता है या नहीं होता है, क्या ये तो रिजल्ट के बाद मालूम चलेगा। देखिए संभावना पूरी है क्योंकि जिस तरह से आपने देखे होंगे एग्जिट पोल आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं ये भी आपके दिमाग में आता है। लालू प्रसाद यादव ने 1 जून 1973 को राउड़ी देवी से शादी की थी। कब, 1 जून 1973 की बात है। अगर इनके, लालू प्रसाद यादव और राउड़ी देवी के 9 संतान हैं, कितने, टोटल 9 बच्चे हैं, जिनमें से आप देखेंगे 7 बेटियां हैं और इनके 2 बेटे हैं, कितनी, 7 बेटियां 2 बेटी, यानी कि काफी बड़ा परिवार है। इनकी बेटियों के नाम की बात करें, रोहिणी, मिसा भारती और हेमा, चंदा, धन्नो और अनुष्का, राजलक्ष्मी, इनकी बेटियां हो गई। और बेटों की बात करें तो 2 बेटे हैं, आप लोग जानते होंगे, एक तेज प्रताप इनके बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव इनके छोटे बेटे हैं। और आप लोग कई बार कहते रहते हैं नौ भी फेल है, तेजस्वी, इसे सीएम बन जाएंगे,
देखिए मुझे लगता है कि देखिए आप किसी क्षेत्र में अगर महारत हासिल की हो गए तो मुझे लगता है शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी एक ही क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। तो क्रिकेटर था तो आप समझिए काफी नाम कमाया क्रिकेटर में, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो देखिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत बात बता रहा हूँ, और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो पढ़ा लिखा होगा वही एक तरह से समझदार होगा। तो आने वाले समय में बात मालूम चलेगा आपको किस तरह से क्या रहता है। अगर इनकी शिक्षा की हम लोग बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा गोपालगंज जिले की फुलवरिया से पूरी की, जहां इनका जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लालू प्रसाद यादव अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गई, आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना। लालू प्रसाद यादव ने पटना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की, किसकी, बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि एक तरह से वकील। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की, क्या मास्टर डिग्री ठीक है। अगर इनके हम लोग राजनीतिक सफर की बात करें सबसे जरूरी यही है राजनीतिक करियर। लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 में छात्र नेता के रूप में की थी। देखिए आप देखेंगे रामविलास पासवान हो, नीतीश हो, या कोई भी हो, ये लालू प्रसाद कोई भी, ये लोग आप सोचिए कि उसी समय जेपी आंदोलन के ही एक तरह से प्रोडक्ट हैं आप कहिए। लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे, फिर बाद में लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। सक्रिय राजनीति में आने के लिए लालू प्रसाद यादव बस 1974 में जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन से जुड़ गए थे, जिसमें आपने देखा था कि इंदिरा गांधी को किस तरह से परास्त कर दिया था। तो इसलिए घमंड मत पाला करिएगा, सरकार आती रात जाती रहती है। सक्रिय राजनीति में आने के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे, यानी कि कहने का मतलब है कि 1977 में पहली बार ये संसद बने लोकसभा से ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1980 से लेकर 1989 तक बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे, यानी कि एमएलए भी रहे। लालू प्रसाद यादव वर्ष 1989 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने, कब, 1989 की बात है, 80-89 समझ रहे हैं, 89-90। अगर हम लोग लालू प्रसाद यादव की मुख्यमंत्री की बात करें, इन्होंने कब मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो लालू प्रसाद यादव पहली बार 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आप देखेंगे कि 1995 में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने, और 1997 में लालू प्रसाद यादव जनता दल से अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल नामक नाम से पार्टी बनाई और उसके अध्यक्ष बने। समझ में आया आपको कुछ, कि पहले जनता पार्टी के एक तरह से जो जनता राष्ट्रीय जनता दल था, ये इन्होंने बाद में पार्टी बनाई, पहले जनता दल के हिस्सा हुआ करते थे, 1997 में ये अलग हुए। और वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव बिहार के छपरा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, कहां पहुंचे, संसद पहुंचे। फिर आप देखते हैं इनके रेल मंत्री के समय की बात कर लेते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, और लालू प्रसाद यादव को अब तक का सबसे सफल रेल मंत्री भी कहा जाता है। अब देखिए उनके पर क्या चार्ज लगे हुए, क्या हुआ, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने के रेल मंत्री बनते ही दशकों में घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई। हालांकि वर्ष 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, ये उतार चढ़ाव आप लोग देखते रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव पार्टी की यादव की पार्टी से केवल 4 सांसद ही चुनाव जीतकर, और 2019 में तो आपने देखा है जीरो दिखाई दे, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए इन्हें केंद्र में मंत्री पद गंवाना पड़ा। और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक करियर ढलान पर चढ़ा गया। 3 अक्टूबर 2013 को लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद व 25 लाख रुपए की सजा सुनाई गई। यहां से एक तरह से आप कहिए कि इनका बुरा टाइम शुरू होता है। फिर आपने देखा होगा 2015 का चुनाव होता है विधानसभा का, और नीतीश और लालू प्रसाद मिलकर चुनाव लड़ते हैं,
तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपनी धुरी धुर विरोधी नीतीश कुमार से हाथ मिलाया। पहले नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कुछ समय बाद 2017 में फिर से एनडीए में जा मिले। तो इसीलिए तो आपसे कहता हूं कि नेताओं की कभी भरोसा मत किया करेगा। गिरगिट तो केवल रंग बदलने के लिए, बदनाम है कहने के लिए, लेकिन नेता उससे और जागृत रहे। आप सिंधिया को भी देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, दुनिया भर के नेता हैं आपको। इसीलिए कहता हूं कि कुछ मुद्दे चुन लिया करेगा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इस तरह के मुद्दों पर वोट किया करेगा, तभी आप भी आगे बढ़ पाएंगे और आपका देश भी आगे बढ़ पाएगा। आप सोचिए, एक कहावत है अच्छी कि भूखे पेट भजन नहीं हो। जब आप ही कमजोर रहेंगे, शिक्षा नहीं रहेगी, स्वास्थ्य नहीं रहेगी, रोजगार नहीं रहेगी, तो आप कोई देशभक्ति नहीं दिखा पाएंगे और ना ही आपका कोई देश आगे बढ़ पाएगा, फिर चाहे राज्य का हो, घर की बात हो। ठीक है, तो इस चुनाव में आप देखेंगे बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को बहुमत दिया। इसके बाद बनी सरकार में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे मंत्री बने, एक उप मुख्यमंत्री थी और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि 2017 में आप देखेंगे नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर वापस एनडीए यानी कि भाजपा में जा मिली, और लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में, कहाँ है, इन दिनों जेल में, और देखिए अभी भी जेल में। और ये आप देखेंगे 2020 का चुनाव है, इसमें क्या रहता है आप अपने हिसाब से तय करते रहिएगा। हो सकता है कि आगे आप लोगों की अगर डिमांड रही तो हम नीते उनका तेजस्वी का भी बायोग्राफी कवर करें, उसमें बात कर लेंगे कि इनकी जिंदगी का क्या 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 रहा है इनके बारे में। लेकिन ये आपका लालू प्रसाद के बारे में सामान्य जानकारी थी। ठीक है,